फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। ऐसे हम लोग का अरुणाचल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ पूरा इंडिया में, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट में आता है। और लुमडुंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस आई एवर विजिट। और पापू वैली में आके तो एक स्पेशली प्यार हो गया, जो लोकेशन वाइज है, द डाउन हिल माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, रिवर, हैंगिंग ब्रिज, वाओ अमेजिंग। इससे अच्छा जगह और एक फेस्टिवल, एक यूथ कॉन्फ्रेंस को करने से इससे अच्छा डेस्टिनेशन और नहीं हो सकता था। मेरा एग्जीबिशन इस अबाउट अवेयरनेस ऑफ बटरफ्लाइज था कि अरुणाचल में देखिए बहुत सारा बटरफ्लाई स्पेसीज है, बहुत सारा बर्ड स्पेसीज है। तो हम स्पेशली हम बटरफ्लाई में ही काम करता है। तो मैंने सोचा है कि इस बार अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये यूथ कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बटरफ्लाई भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग का इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में। तो एक छोटा सा टॉपिक को लेके भी आप अपना करियर बना सकता है, ये भी मोटिव हम दिखाना चाह रहा था। तो इसी के लिए मैंने यहाँ बहुत सारा रेयर स्पेसीज को डिस्प्ले किया, जिसमें इंक्लूडिंग केसरी हिंद है, ब्राउन गोर्गन्स है, भूटान ग्लोरी है, येलो बैन उस पाल्मर है, देन उसको स्ट्रिप हेयर स्ट्रिक है, एलओसी प्रिंस है। ये सब बहुत रेयर स्पेसीज है जो जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग अरुणाचल आता है। तो मेरा इस बार का एग्जीबिशन का मोटिव ये था कि बटरफ्लाई को लेके अवेयरनेस फैलाया जाए और इसको थोड़ा सा टूरिज्म में भी रिलेटेड किया जाए। बटरफ्लाई मैन कैसा पड़ा, ये एक्चुअली लाइक फर्स्ट हम मेरे को ईस्टर्न पैनोरामा, एक जो इंडिया मैगजीन है, उसने मेरे को मेरा काम देख के उन्होंने मेरे को नाम दिया था। तो फिर इसको देखते देखते फिर लोगों ने भी मेरे को प्यार देना शुरू किया। और बटरफ्लाई मैन बोलने का शायद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बटरफ्लाई को लिफ्ट करता है अपना हाथ में। सो टिल नाउ आई हैव लिफ्टेड 264 स्पेसीज इन माई फिंगर, जिसमें मेरा एशिया रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, इंडिया रिकॉर्ड भी है, तो मेरा कुछ कुछ डिग्रीज भी है। एंड और अनदर रीजन ये भी हो सकता है कि मेरा बहुत सारा पब्लिकेशन है, लाइक न्यू रिसर्च, न्यू डिस्कवरी, और बहुत सारा पेपर पब्लिकेशन है जो कि एंटोमोलॉजी रिलेटेड है। तो हो सकता है, बट थैंक्स टू पीपल ऑफ अरुणाचल हु एक्सेप्ट मी एज अ बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल, एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर सपोर्टिंग मी, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट। सर देखिए, टाइम मैनेजमेंट डिपेंड होता है, आप जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उसके लिए आप समय निकाल लेता है। लाइक अभी हमको सपोज कोई चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, सपोज एक स्टूडेंट को मूवी देखना होता है ना, वो अपना टाइम से 2 घंटा निकाल के मूवी देख लेता है। तो मेरे लिए भी बटरफ्लाई इज़ माई लाइफ चेंजिंग स्पेसिस। तो बटरफ्लाई का पीछे ही भाग के हम अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो क्या होता है, देखिए हम बीइंग ए पुलिस है, नो डाउट बहुत हेक्टिक जॉब होता है, बट मेरा हेक्टिकनेस को ना हम मेरा चेहरा में एक्सप्रेस होने नहीं देता, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बटरफ्लाई। की अपना हेक्टिक टाइम को हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जंगल चला जाता है। तो वहाँ जब हम नेचर का साथ 2-3 घंटा रहता है, और प्लस ऐसा होता है हम लोग का पुलिस ड्यूटी इज़ 8 आवर ओनली, एक दिन में 8 आवर ड्यूटी होता है। तो फिर 8 आवर के बाद आप समय निकलता है, नो डाउट आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है, पर्सनल टाइम नहीं दे पाता है, बट इट्स ओके ओनली, आई एम हैप्पी विद दैट। और हम निकल लेते हैं। यूथ को बोलेगा खुद से प्यार करना छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, खुद को बहुत प्यार करता है लोग, यूथ लोग स्पेशली ना, तो उन लोगों का चेहरा का स्माइल गायब हो जाता है। रीज़न क्या होता है, देखो आप जब खुद को बहुत प्यार करना शुरू करेगा ना, छोटा सा सर्दी खांसी को भी आप बहुत बड़ा बीमार ट्रीट करना शुरू करेगा सोच के, तो ऑटोमेटिक आप डिप्रेस हो जाएगा। और देखिए अरुणाचल इतना सुंदर जगह है, हर जगह में जंगल है। अगर कोई अगर सोचता है कि हम थोड़ा डिप्रेस हो रहा है, खुश नहीं है, तो अपना साइड का गली में जंगल चला जाओ, हम छोटा छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करना है। और आजकल का यूथ का एक कमी है, छोटा छोटा चीज़ में खुशी नहीं ढूंढता है, हर हमेशा सोशल मीडिया में रहता है। नो डाउट सोशल मीडिया इज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है आज का दिन में, बट अपना लाइफ को भी थोड़ा एक जीने का तरीका चेंज करना चाहिए। और स्पेशली स्टूडेंट लोग पढ़ाई का साथ बहुत हेक्टिक रहता है, तो उसको निकालने के लिए आप नेचर से ज़्यादा हीलिंग पावर किसी का पास भी नहीं है। तो यूथ को एक ही मैसेज है, आप लोग थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर कीजिए। वी हैव लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल जंगल्स एंड लॉट्स ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड हम लोग के पास रिसोर्स है। तो एक बार ट्राई कीजिए, यू विल गेट डेफिनेटली अ वेरी, मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि सबसे ज़्यादा आपको हर बटरफ्लाई अट्रैक्ट करता है, आपको ये बताइए कि पप्पू वैली में आपको कौन सा बटरफ्लाई? बटरफ्लाई एक्चुअली पप्पू वैली में हमको सर्वे करने का मौका नहीं मिला, बट एक दो स्पेसीज जो ऐसा चलते चलते दिखाई दिया। ओके, द पप्पू वैली इटसेल्फ फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट डाउन हिल माउंटेन, जब वहाँ से पप्पू वैली को देखता है ना, तो ये चीज़ एक्चुअली हमको बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि देखिए ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, तो ये एक अलग सा नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ ना आपको
क्या बोलेगा, हम तो ट्रैकिंग करने के लिए कल जंगल से ट्रैकिंग भी किया, रिवर बेड साइड में है, आपको पहाड़ सामने में है, इतना बड़ा ग्राउंड सामने में है और जंगल आसपास से घिरा हुआ है, देखिए पैराग्लाइडिंग हो रहा है, तो हर चीज़ है यहाँ पर। और आई होप कि इन फ्यूचर अगर हम कभी आएगा तो हम डेफिनेटली पप्पू वैली में बटरफ्लाई का रिसर्च और थोड़ा स्टडी करना चाहेगा। सो होपफुली वी विल गेट मेनी स्पेसीज, क्योंकि अभी तक ये जगह में स्टडी नहीं हुआ है। रोशन सर, अभी तक आपने कितना स्पेसीज को रिसर्च किया, मतलब रिसर्च लाइक देखिए हम लोग तो हर स्पेसीज को ही बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलता है, छोटा से छोटा जो चाहे वो कॉमन हो या फिर अनकॉमन हो, रेयर हो। बट अभी का हम लोग का मतलब मेन टारगेट हम ये सोचता है कि रिसर्च पर्पस में बच्चा लोग को भी लेके करता है, तो हम तो बहुत सारा है। अभी तक मेरा 9-10 जर्नल है, पब्लिकेशन है, जिसमें से मेरा बहुत सारा डिस्कवरी है, बहुत सारा एरिया का हम चेकलिस्ट बनाया है कि हाँ वहाँ में ये मतलब स्पेसिस पाया जाता है, तो बहुत सारा रिसर्च है। तो ऐसा ही चलता है, लाइक पढ़ाई भी चल रहा है और इवन हम खुद भी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई भी चल रहा है, जॉब भी चल रहा है, बटरफ्लाई भी चल रहा है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। अभी तक आपने कितना डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल में है तो अभी तक आप कितना डिस्ट्रिक्ट कवर किया और अगला आपका टारगेट क्या है? हम अरुणाचल में तवांग और बोमडिला छोड़ के हम हर जगह गया है अभी तक, घूम चुका है। लेकिन बटरफ्लाई देखने के लिए अभी तक देखिए मेरा ज़्यादा साल नहीं हुआ बटरफ्लाई में, इसे अराउंड 7 ईयर ओनली ना, तो बटरफ्लाई स्टडी करने के लिए तो हम बहुत कम जगह ही गया है। लाइक मैंने पाके गया, जीरो पांगे गया, ताले वैली तरफ गया, फिर आपका नामदफा तो नो डाउट हम वहीं से है, फिर विजयनगर किया, फिर आसपास जो अरुणाचल है जैसे दिहिंग पाटका है जो कि आपका अरुणाचल टच करता है, वहाँ गया, तो रोइंग गया, अनिनी गया, अंजाव गया, तो ऐसा किया। बट वेस्टर्न बेल्ट में अभी तक मैंने मतलब बटरफ्लाई को देखने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए अभी तक मौका नहीं मिला, बट इन कमिंग डेज मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल लव टू बी हेयर। अगला प्लान कहाँ है? अगला प्लान इज अनिनी एक्चुअली। सी अनिनी शेयर विद द बाउंड्री विद चाइना, तो वहाँ क्या होता है थोड़ा स्पेसिस मिलने का चांसेस रहता है। सो यहाँ का भी टारगेट है, लाइक सियांगताजो हो गया, फिर आपका दापोरी जो साइड में आपका नाचो तरफ, तालिया तरफ, अगर मौका मिलेगा डेफिनेटली हम जाएगा और हम बहुत खुशी से जाएगा।